हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था जाने का, कल एकदम से हमारा प्लान बन गया है। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल बैंगलोर से 2.5 घंटे की दूरी पर है और ये है लॉर्ड शिवा का मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग है, मीन्स कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पर शिवलिंग है। तो चलिए चलते हैं। सवा 2 घंटे का ही टाइम लगता है, लेकिन हमें पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे क्योंकि हमारे साथ में बेबी है और हम थोड़ा रुकते हुए गए थे। हमने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए नाश्ते के लिए रुके थे। रोड वहां से बहुत अच्छी है, रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सीनिक व्यू है, ग्रीनरी है और सड़क काफ़ी अच्छी है, कोई ऐसी टूटी फूटी नहीं है। और मंदिर में एंटर होते ही कुछ इस तरह की शॉप्स आती हैं, ये आपको हर जगह दिखाई देंगी ऐसी शॉप्स। यहाँ पर प्रसाद या फिर आप फूल चढ़ाने के लिए फूल वगैरह ले सकते हैं। और मंदिर के अंदर टेंपल होते ही आपको दिखते हैं हर जगह सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग, छोटे बड़े मीडियम हर साइज़ के शिवलिंग है वहाँ पर। और दूर दूर तक जहाँ आप देखेंगे बस आपको शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई देंगे। तो ये अंदर का व्यू है और यहाँ पर लाइन बारी से सब शिवलिंग रखे हुए हैं। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के बारे में एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। कहते हैं कि बहुत पहले यहाँ पर एक भक्त मंजूनाथ रहते थे। वैसे तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन वो भगवान शिव पे इतना विश्वास नहीं करते थे। धीरे वो किसी गुरु के संपर्क में आए और तब से वो भगवान शिव पे विश्वास करने लगे। लेकिन एक बार वो मंदिर में गए और वह उस मंदिर के सारे दिए बुझ गए। तो जितने भी लोग उस समय उस मंदिर में थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे मंजूनाथ के होने की वजह से वहाँ के सारे दिए बुझ गए हैं और ये बहुत बड़ा अपशगुन है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर कोई गुरु थे, उन्होंने मंजूनाथ से कहा कि वो अपने आप को सिद्ध करें। और तब मंजूनाथ ने एक गाना गाया और उस वजह से फिर से सारे दिए जल उठे और ये प्रूव हुआ कि मंजूनाथ एक बदले हुए इंसान है और वो भगवान शिव में विश्वास रखते हैं। ऐसा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की 1 करोड़ बार इंसल्ट की थी, इस वजह से उन्होंने 1 करोड़ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए हैं और इस वजह से नाम पड़ा कोटिलिंगेश्वर। कोटि मीन्स 1 करोड़। करीब 12 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ही अपने आप में 11 छोटे छोटे टेंपल्स भी हैं। कोटिलिंगेश्वर टेंपल के अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 108 फीट के करीब है और साथ ही एक बहुत बड़ी नंदी की भी स्टैचू।